सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा ये बॉलीवुड है, जो पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री है। आपने देखा होगा फिल्में कितनी अच्छी अच्छी आती हैं, तो ये कभी उन फिल्मों को चेंज क्यों नहीं करते, कभी ये हॉलीवुड जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते। हॉलीवुड जैसा बनने का मेरा मतलब ये नहीं कि उनकी जैसी मूवीज निकालना शुरू कर दो, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी साइंस फिक्शन भी होनी चाहिए, थोड़ा कुछ अलग अलग चीज़ें, जैसे इंटरस्टेलर मूवी हो गई, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिस लेवल पे वो लोग बनाते हैं, जहाँ पर उनकी फिजिक्स थोड़ी बहुत काम करती हुई दिखाई देती है। ऐसा हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसके अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, और ये सेम टाइप की फिल्में हमेशा प्यार वगैरह ये सभी क्यों दिखाते रहते हैं। कोई भी बंदा गैस कर सकता है मूवी में क्या होने वाला है, एक हीरो होगा वो रिच फैमिली से होगा, या तो हीरोइन होगी वो रिच फैमिली से होगी, दोनों मिलेंगे, फिर उसके बाद वो कोई उन्हें अलग करने की कोशिश करेगा, लास्ट में मिल जाएंगे, मूवी खत्म। कोई भी आप मूवी पिक कर लो, सब में मैक्सिमम टाइम यही होता हुआ आपको दिख जाएगा, और वो इससे हटने की कोशिश भी नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा इसके पीछे का रीज़न क्या है? और इसके पीछे का रीज़न है आप लोग मतलब हम सब लोग जो इन मूवीज़ को देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम लोग देखेंगे नहीं तो वो लोग मूवी ऐसी प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि हम लोगों को पसंद ही वही है जो वो दिखाते हैं, या फिर वो वही दिखाते हैं, ये चीज़ कहना ज़्यादा सही होगा कि वो वही दिखाते हैं जो हमें देखना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच के चलो, अगर ये इंटरस्टेलर मूवी आ जाए, इंडिया में चला दी जाए थिएटर पे, कितने लोग जाएंगे देखने? जो हमारा ज़्यादातर जो बड़ा चंक है ना वो कभी देखने ही नहीं जाएगा, उनके दिमाग के ऊपर से जाएगी मूवी। रीज़न क्या है? उतना आईक्यू ही नहीं है उस लेवल का, हमारे पास आईक्यू ही नहीं है। एक जो क्रेड के जो फाउंडर है उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर ये बात बोली थी कि जो उनकी रिसर्च वगैरह के अकॉर्डिंग कि जो नॉर्मल, अगर आपको ये बात पता है ना कि अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको वर्ड पता है पॉडकास्ट क्या होता है और आपको ये पता है अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो, तो आपका जो आईक्यू है ना वो नॉर्मल इंडियन, यानी आप ये कह सकते हो एवरेज इंडियन के आईक्यू से ऊपर है, आप उनसे बेटर हो। तो आप ये सोच लो कि अभी हमारा जो ओवरऑल, अगर मैं एवरेज आईक्यू की बात करूँ इंडियंस का, वो कितना नीचे है, क्योंकि हमें ऐसी फिल्में समझ में आई नहीं रही। क्योंकि कभी कभार कोशिश होती भी है ऐसी फिल्में लाने की, अच्छी फिल्में लाने की, बट फिर वही बात है वहाँ पर रिजल्ट ही नहीं आता, तो वो बंदा वो वाली फिल्में क्यों लेके आएगा। जहाँ पर बात हो रही है बिजनेस की, सीधी सी बात है, अगर मेरे को 10 करोड़ फिल्म के अंदर लगा के मुझे 20 करोड़ मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, मैं वही मूवी लाऊंगा बार बार जो आपको देखना पसंद करो, जहाँ से मुझे रेवेन्यू आएगा। एक ऐसी मूवी बना के क्या फ़ायदा जहाँ पर मैं अपने 1000 करोड़ भी खर्च करूँ और मुझे रिटर्न में उतना भी ना मिले जितना मैंने लगाया है। बट धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि रोबोट आई, ठीक है, बाहुबली वगैरह, यहाँ पर पैसे लगे तो पैसे इन्हें रिटर्न में मिल भी रहे हैं, बट स्टिल अभी हमें बहुत सारा आगे तक जाना है। जैसे अगर मेरे को और एग्जांपल देने हो, अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं तो यहाँ पर आप शायद ज़्यादा रिलेट भी कर पाओ। यूट्यूब में आपने देखा होगा कि जो नॉलेजेबल वीडियोज़ होती है ना वो बहुत कम चलती हैं एज़ कम्पेयर टू उन वीडियोज़ के जिनमें सिर्फ डब्बे खुलते हैं, या फिर यहाँ पर सब, मैं सिर्फ अपने टेक चैनल की बात नहीं कर रहा, और भी जगह पर ऐसी हैं जहाँ पर कोई भी मतलब नॉलेज की चीज़ नहीं हो रही, वहाँ पर कोई भी नॉलेजेबल बात नहीं हो रही, वहाँ पर बस कोई भी ऐसी वीडियो कहीं पर हंसी मजाक हो रहा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉलेजेबल वीडियो। जब शुरू शुरू में यूट्यूब आया था, या आप कह सकते हो शुरू शुरू में जब चीज़ें हो रही थी, तो चलते थे वो चैनल जिनमें फैक्ट्स वगैरह मतलब साइंस की चीज़ें बताई जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में लोग जानने के लिए क्यूरियस थे कि हाँ यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो वहाँ पर लोगों के डाउट होते थे, वो क्लियर होते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब आपने देखा होगा कि जो ऐसे साइंस के चैनल हैं जो चीज़ें समझाते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ क्यों हो रही है, बट अब उनकी डिमांड धीरे धीरे घट रही है। और कौन से चैनल आ रहे हैं पता आपके सामने? फैक्ट वाले, जहाँ पर सिर्फ एक लाइन में बोल दिया जाता है हाँ ये रहा फैक्ट कि हाँ इतना इतना ऐसे हुआ था, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और हम उन्हीं देखते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे फैक्ट के चैनल देखने को मिल जाएंगे जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, और वहाँ पर होता क्या है, बस वो एक आपके सामने एक लाइन कोट कर देते हैं और हम देख के खुश हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारे दिमाग की ये है कि वो चाहता है आराम करना, उसे अपने आप को बिल्कुल भी दिक्कत देनी नहीं है, तो वहाँ पर डोपामाइन रिलीज होता है, वो क्या करता है हमें एक अच्छी वाली फीलिंग देता है कि हाँ चीज़ें ठीक है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो हमें वही देखना पसंद है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसी वीडियो जहाँ पर आपको नॉलेज मिल रही है। जैसे कि आप, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दे दूँ अपने चैनल का, तो हमारी वीडियोज़ आप देख सकते हो जहाँ पर हम नॉलेज की बात कर रहे हैं उन पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते, पर जहाँ पर भी अगर मोबाइल आ गया या ऐसी कोई चीज़ आ गई, लैपटॉप आ गया, वहाँ पर व्यूज़ इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए होते, कि हमें नहीं लगता कि उतने जाएंगे, बट उतने चले जाते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, और इसका, इन सारी चीज़ों का रीज़न ही क्या है बेसिकली, अगर अल्टीमेटली मुझे पॉइंट आउट करना भी हो तो मैं तो कहूँगा कि एजुकेशन है। जितना हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, लोग उतने ज़्यादा पढ़ेंगे, लोग उतनी ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे,
क्योंकि क्या ही फायदा एक अच्छी चीज़ आपके सामने रख के जब वहाँ पर वो रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, वो सारी मेहनत बेकार जा रही है। इससे अच्छा तो वो ये ना बंदा अपनी कम मेहनत करेगा और उसमें आपको व्यूज़ भी अच्छे मिल जाएंगे, या फिर अगर बात करूँ मैं मूवीज़ की बात करूँ वहाँ पर पैसा अच्छा मिल जाएगा, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है यहाँ पर। तो ये है वो रीज़न जिनकी वजह से जो इंडियन मूवी इंडस्ट्री है वो कभी भी सही से ग्रो नहीं कर पाई, या फिर आप ये कह लो ग्रो करना तो वर्ड ज़्यादा सही नहीं होगा, ये कह सकते हो आप कि वो कभी भी अच्छी मूवीज़ लाने की कोशिश नहीं करती, पर धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी हमें पूरी उम्मीद है। तो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।